हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस लाइव डीएनएस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज है नवमी। क्या है? राम नवमी। क्योंकि वो दुर्गा पूजा वाला दशहरा वाला नवमी एक अलग होता है और ये नवरात्रि वाला नवमी अलग है। ये तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रामनवमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। तो गाइज, हम लोग इस बार ना अष्टमी व्रत थे और नौ हम लोग पहली मतलब फर्स्ट डे एकमी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एकादशी तो 11 को बोलते हैं। एकमी यानी कि पहला जो दिन होता है और नौवां दिन होता है वो हम लोग आज व्रत थे। तो हम लोग नौवां नहीं रहते हैं ना, जो लोग नौ दिन रहते हैं वो नौवां रहते हैं, जो लोग सिर्फ दो दिन रहते हैं चढ़ना उतरना तो वो पहला दिन और आठवां दिन यानी कि एकमी और अष्टमी। तो ये दो दिन का हम लोग व्रत थे और आज हम लोगों ने पारण कर लिया। आज हम लोगों ने पारण किया है छोला और पूरी। गाइस, मेरा फेवरेट है, मन आई लव पूरी यार, आई लव पूरी एंड छोला एंड ऑल। बट क्या करूं, डाइट पेट एंड ऑल इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा डाइटिंग भी करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा हाई रहता है ना, तो इस वजह से। बट फिलहाल कोई बात नहीं, लेट्स गो एंड एंजॉय। पता गाइस, कई बात ना भाग दौड़ की लाइफ में ना काम ये सब वो सब करने के बाद बाद जब कभी क्या होता है ना कि जब आप किसी धर्म के होते हैं, किसी पार्टिकुलर एक संस्कार में आप रहते हैं ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि यार उसमें थोड़ा सा लीन हो जाओ ना, तो थोड़ा सा मन जो है ना रिसाइकिल हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके का कुछ प्रोग्राम आज हम लोग की कॉलोनी में भी हो रहा है, जिसको जगराते का प्रोग्राम बोलते हैं। जबकि देखिएगा, पूरे नवरात्रि में हर जगह कहीं ना कहीं होता ही रहता है जगराता। तो आज के डेट में हमारे कॉलोनी में भी जगराता है और शाम को हम लोग जगराता में झूमेंगे। हमारा क्या प्रोग्राम है अभी, क्या करोगी जगराते में तुम? सब मिलेंगे, सबके साथ। कुछ माथे में कुछ बनाओगी? वो बांधने के वाला आया 50 पीस आया। हाँ, बना जाएगा। हाँ, बांध के और घूमना है मस्त। ये बैग में क्या पैसे चुरा रही है? यही सब तो मौका, आदमी एकजुट होता है, उसी बहाने आदमी एकजुट होता है, एक साथ किसी को तो उसमें लगता है कि भाई। कोई बात नहीं, डोंट वरी। अच्छा बुरा सब लोग अच्छे हैं और होना चाहिए। और लक्ष्मी इसमें आएंगी जब हम लोग पूजा करेंगे, तो लक्ष्मी को जाके रखो, मैं जी लक्ष्मी है। तो गाइस, फाइनली पीछे घड़ी है, देख रहे होंगे लगभग 10:45 हो रहे हैं और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और चलते हैं अपनी ऑफिस, काम करते हैं थोड़ा सा काम धंधा, क्योंकि जरूरी होता है, क्योंकि पैसे उसी से आने हैं। तो फटाफट काम को निपटा करके मिलते हैं आपको फिर से ब्लॉग में। गाइस देखिए, अपना ये गेंदा का है, थोड़ा सा पकड़ रहा है क्योंकि इसमें हम लोग जो भी लगाए ना अभी सूख गया है, बट देखते हैं इसका मट्टी सही करते हैं। और ये देखिए हमारा, इसका क्या नाम है जी? इसका समी का पेड़ है। ये देखिए नई डाली नए ऊपर निकला हुआ है, इसमें भी निकल रहा है। ये बहुत, इसको हम लोग ऐसे गोल बनाएंगे सुंदर सा। और ये हमारी तुलसी माता है और ये हमारा पाम का ट्री। ये सूख गया था लेकिन फिर से हरा भरा हो गया, नए नए कोपड़े अलग से निकल गए। क्या कोई समी का एक पौधा तोड़ दिया है? बताओ, ये गलत बात है ना यार। अब तैयारी हो रही है माता रानी का जगराता के लिए। ये तो फाइनली गाइस, हम लोग अभी ऑफिस में आ चुके हैं घर से और कुछ फटाफट काम था तो काम निपटा लिए हैं और अभी थोड़ा सा फ्री हो चुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है घड़ी में, क्या टाइम हो रहा है जी? करीब 12:30 हो रहा है। घड़ी सही है कि नहीं? हाँ, 12:30 ही हो रहा है। तो गाइस अभी 12:30 हो चुके हैं। देखिए ये मेरा क्लिनिक वाला पार्ट है, यहाँ मैं बैठता हूँ, ये मेरा मेज, यहाँ पेशेंट बैठते हैं, इधर से एंट्री करते हैं और यहाँ से ये मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक करके इसे पैक कर लूँगा। हैप्पी तुम उधर, इधर से देखिए इसका हैप्पी का पूरा अपना सेटअप है, दवा का खजाना रखी हुई है वहाँ पे पूरा, कैसे कुतुब मीनार की तरह सजाई हो यार। और ये इसका अपना सेटअप है, ये छोटा सा मंदिर, भगवान जय भगवान, और ये सब चीज़ें यहाँ पे विजिटर्स के लिए हैं। और अभी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ से एंट्री होता है बाहर से। और ये है आपका स्टॉक, मतलब यहाँ लड़के बैठते हैं, अपना स्टॉक है सब लगा हुआ, मैक्सिमम चीज़ें गत्ते में है, कार्टून में पैक है और जो कुछ डिस्प्ले में लगा हुआ है सारी जो है, जो रिटेल का है वो इस तरह का है, जो होलसेल का है वो सब सप्लाई का इस तरह का है। तो गाइस आपने देखा ये सब चीज़ें हैं और हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, 2 रुपये कमाते हैं ईमानदारी से और जीते हैं मस्ती से। क्या है? कमाते हैं ईमानदारी से और जीते हैं मस्ती से। तुम क्या मस्ती करती हो?
तुम कौन सी मस्ती करती? काम को मस्ती समझ लेना और मस्ती होना दोनों में अंतर है। अच्छा लगता है काम करना। अच्छा देख ली, ये हैप्पी की मस्ती, यही मस्ती करती है। नहीं पता है कई बार क्या होता है ना कि दोपहर का टाइम हो जाता है लंच का, और मन भी करता है यार लंच कर लें, लेकिन भूख नहीं होता है। बट अगर उस समय आपने लंच स्किप कर दिया तो एक दो घंटे बाद फिर से भूख लग जाता है, और उस समय आप किसी न किसी काम में बिजी होते हैं या व्यस्त होते हैं, घर पे नहीं पहुंचे होते, फिर लगता है यार अब क्या खाया जाए। तो फिर उस टाइम पे आदमी क्या करता है ना, फास्ट फूड एंड ऑल वो सब करता है, जो कि नुकसान कर देता है। इसलिए जब भी लंच का टाइम हो तो प्रॉपर थोड़ा ही करिए, लेकिन लंच कर लीजिए। क्यों है ना सही बात? क्योंकि लंच करने से पौष्टिक चीज़ें शरीर में जाएंगी, लेकिन अगर हम फास्ट फूड लेते हैं तो नॉन पौष्टिक यानी कि जंक फूड शरीर में जाएगा और फिर मेरी तरह तो निकल जाएगा। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और अब टाइम हो चुका है लंच का। लंच में बनाई है छोले और चावल, और साथ में इतना ढेर सारा सलाद, जो ये बहुत थोड़ा सा ली, मुझको ज़्यादा खिलाती है अपने कम खाती है। नहीं ये देखो इतना कम है, मेरा बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर के हिसाब से डाइट भी होता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो इतना सारा सलाद खाऊंगा और सेहत रहा। फाइनली लंच फिनिश, सलाद खाओ सेहत बनाओ, खाना खाओ मर्दाना बनो। तो गाइस देखिए दोपहर के करीब 3:30 होने वाले हैं, और टेम्परेचर इतना तेज है, आप खुद देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मोर देन 50 डिग्री होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 45 के आसपास होगा। बट ये कहिए कि थोड़ा सा हवा बह रहा ना तो थोड़ा सा आराम है, वरना इतनी तेज हीट है ना, सनबर्न और टैनिंग तो बहुत ज़्यादा है। किसको? आपको एलबीएमएससी द्वारा। पता है क्या है? क्या? माय फेवरेट मैंगो। मैंगो क्या? लापूस मैंगो। अच्छा लापूस मैंगो आम। वाव गर्मी आ गए और मैंगो आम मिल गया। जब चलो खोल के दिखाओगी? मैं तो महक से ही मांग दिखाओ, आज यही गाड़ी में देख ही लिया जाए तब गाड़ी चलाएगा। जल्दी खुलता भी है, फाड़ने में एक्सपर्ट हूँ। अरे उसका नहीं है, फाड़ी दे तो नहीं तो नहीं खुलेगा, ये भी नहीं खुलेगा। हाँ ऐसे नहीं खुलेगा। लापूस हूँ अरे यार मतलब चलो 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 घर चलो। तो फाइनली गाइस काम वाम सब खत्म करके और अब घर आ चुके हैं, और अभी टाइम हो चुका है करीब लगभग 8 बजने वाले हैं। अभी टाइम हो चुका है रेडी होके और जगराते में जाने का, भंडारे का लुत्फ उठाने का। मैं तो अभी रेडी नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ काम शुरू हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तुम फेशियल कर लो, मुंह धो लो। नहीं नहीं तुम सब करो, हम लोग तो ऐसे ही फिट हैं। पानी मारेंगे छपाका और रेडी। तो गाइज अभी फटाफट रेडी होते हैं। तो फाइनली गाइज देखिए हम रेडी हो चुके हैं, हैप्पी अभी रेडी हो रही है, और अब हम निकलते हैं जगराते के लिए। और अभी हैप्पी पीछे से आएगी अपने रेडी वेडी होकर के। अरे सारा आम गायब हो गया भाई, एक खा चुकी हो, वाह मतलब आया नहीं, एक दबा भी थी। हे भगवान मेरा सारा आम खा के खत्म कर दी, दो तीन बचा है, 5-6 में सारा निपटा दिया यार। ये तो कम से कम एक नहीं खाना चाहिए। अब मैं रसगुल्ला खा लूँ एक। और जब राम नाम की बाला की बात कर रहे हैं, 22 जनवरी को क्या हुआ था सबको पता है ना, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान हुआ। और अगर देखनी हो
की सरकार कितने खुश पैसे ले कहना है क्या कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा भाई अच्छा पीछे वाले जितने हमारे दरबार में उपस्थित हैं एक जोरदार जयकारा लगाइएगा बोलिए 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 हनुमान जी महाराज की जय हो चाचा जी झूम के कैसे दुनिया में इससे पहले ये बड़ी सुंदर अंदाज मैया शेरो वाली के श्री चरणों में कहना है क्या हो चलो बुलावा ये मैं आपको बता दूं आज तुम तो पहले पहुंच गए हो सो गए हो क्या तो गाइस ऐसे रहा हम लोगों का नवरात्रि का लास्ट नौमी और उस दिन का ये जगराता गाइस इतना रस था इतना भीड़ था और इतने सारे लोग थे मिलने वाले कि मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया बट गाइस होप सो थोड़ा बहुत झलकियाँ देखी उससे आपको अच्छा लगा होगा और गाइस अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और रात के करीब 1:30 बज चुके हैं और अब हम लोग सोएंगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही एक वीडियो में एक अच्छे दूसरे ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट स्वीट